अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी कैन स्टार्ट द क्लास फाइव हिप्स एंड आवर टॉपिक इज पार्टिसिपल एंड जेरंड्स। ओके, नाउ स्टूडेंट ओपन योर बुक। स्टूडेंट इज योर बुक द ग्रामर ट्री, यू नो दैट। नाउ ओपन द बुक। नाउ स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 26। द टॉपिक इज पार्टिसिपल एंड जेरंड्स। You know the meaning of participles, okay? Some adjectives formed from verb with the help of the suffix ing are usually called present participle. Participle का मतलब होता है और gerunds का मतलब होता है जिसमें हम verb की first form के साथ ing लगाते हैं। This is also called a continuous tense. इसको हम क्या कहते हैं? Continuous tense भी कहा जाता है, okay? For example, fetching clothes. Fetch फर्स्ट फॉर्म है, ing लगा दिया तो दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल। रिवॉल्टिंग स्मेल, हॉन्टिंग म्यूजिक, ओके, ब्लूमिंग मिस्टेक, रेविंग लॉन्टिक, ओके, दिस इज कॉल्ड द पार्टिसिपल। और जेरंड्स, जेरंड्स मीन्स ing में हम लगाते हैं। हाँ, नाउ स्टूडेंट सी द पास्ट पार्टिसिपल। The past participle form of a verb may end in d, ed, en or t. This form of a verb or may also be used an adjective. अब past participle में हम कभी भी ing नहीं लगा सकते, वो इसलिए नहीं लगा सकते। For example, buried, buried का मतलब दफनाना, burying नहीं हो सकता। Buried, bury, burn करना मतलब दफनाना, okay? Buried का मतलब दफनाना, this is called the past participle. His clothes were dirty and torn. अब हम यूज़ करेंगे टॉर्निंग, आई एन जी, गंदे हैं और मैले कुचैले हैं या इस्त्री नहीं हुए हुए हैं, तो इसको हम ये गलत फॉर्म में आ जाएगा, ओके। दिस इज पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो हमारा सेकेंड फॉर्म होता है। द लॉस्ट चाइल्ड वॉज सून फाउंड एंड रिटर्न टू इट्स मदर। लॉस्ट, इसमें हम आई एन जी लगाते, लॉस्टिंग सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने जिसमें हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, दिस इज कॉल्ड द पास्ट पार्टिसिपल। नाउ स्टूडेंट वी कैन कम बैक टू द रिटन वर्क। हम इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर की एक्सरसाइज ए, बी और सी करेंगे। फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज ए। स्टेट वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स हैव बीन यूज्ड एज आई एन जी एडजेक्टिव्स, ई डी एडजेक्टिव्स और वर्ब। पॉइंट आउट द नाउन्स, द एडजेक्टिव क्वालिफाई, नेम द टेंस ऑफ द वर्ब। ये जो हमारी अंडरलाइन हुए ना वर्ड, इसको हमें बताना है कि कौन से एडजेक्टिव है, ओके। आई गिव यू दिस फॉर अ रिटन वर्क। नाउ इट्स आर एक्सरसाइज बी, पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ओके। वी कैन डू दिस एक्सरसाइज बी ऑल्सो। आर इट्स आर एक्सरसाइज सी, पेज नंबर 33। स्टेट वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स और जेरंड्स। वही जेरंड्स आई एन जी यूज़ करेंगे हम इसमें, जो भी है इसमें हमारे जो जेरंड्स है इसको हमें अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसको पॉइंट आउट करना है कि ये कौन सा जेरंड है, कौन सा टेंस के साथ यूज हुआ है, ओके स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट आर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रपोजिशन। ओपन पेज नंबर 59 फॉर दिस। नाउ स्टूडेंट प्रपोजिशन, आई एक्सप्लेन यू। A preposition is a word or group of words that tell us where somebody or something is. इसका मतलब होता है कि preposition वो word होता है जो हमें बताता है कि काम कब, कैसे और क्यों हुआ। This is called the preposition. In the same page, you can see the simple preposition. It's a countless, across, between, near, down, except, following, inside, into, like, out, on, off, aana, jaana, andar, bahir. This is called the preposition. Let's come back to the exercise of this topic. In this chapter, only we can do the exercise A of this chapter. I give you the exercise for this for you. Fill in the blanks with appropriate preposition. The number of blanks indicates how many words the preposition dash is needed up made up of. You may consult the list given at the beginning of this chapter. It's a question. I give you this. The sight of animals in cages always saddens me.
while Newton was sitting under an apple tree, an apple fall. You can see this picture. ये न्यूटन का इन्होंने पिक्चर बनाया है कि न्यूटन जो था वो दरख के नीचे बैठा था और अचानक से एक एप्पल ऊपर से नीचे आया. मतलब वो कहाँ बैठा हुआ था? दरख के नीचे. द अंडर नीचे का मतलब होता है, दिस इज कॉल्ड द प्रेपोजिशन. क्या कहलाता है ये? प्रेपोजिशन. नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग अ लेटर. इज फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 108. I give you the format of the letter in your previous class. Let's start the work. Now students, it's exercise B. Letter to a friend congratulating him her for his excellent result. मैंने ये काम आपको written work में दे दिया है. You can do this in your copy. Is it clear students? Now page number 112. 112. Writing a letter, exercise A. To your class teacher apologizing from misbehaving in class. मतलब आपको अपने टीचर को माफ़ीनामा लिख कर देना है क्योंकि आपने उनके साथ थोड़ी सी मिसबिहेविंग की है, बदतमीज़ी की है. तो उस पर ये लेटर है. आई गिव यू द लेटर इन व्हाट्सएप इंशाल्लाह. नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द पोम द मंथ. ओके, आई गिव यू द पिक ऑफ दिस पोयम इंशाल्लाह वेरी सून. First I explain this. Okay, January brings the snow, makes our feet and fingers glow. February brings the rain, thawed the frozen lake again. March brings breeze, loud and shrill, stirs the dancing daffodil. April brings the primor sweets, scatters daisies at your feet. इस poem में हमें महीनों के बारे में बताया है कि उसकी क्या क्या खूबी है. जनवरी में क्या होता है? स्नो होती है हर जगह. हमारी कराची में तो खैर नहीं होती स्नो, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ में वहाँ पर स्नो होती है. तो उन्होंने इसको क्या कहा है कि हमारे लगता है कि पाँव जम रहे हैं, हमारे हाथ पाँव जम जाते हैं बर्फ़ में. ऐसा होता है स्टूडेंट्स, यू नो दैट. फरवरी में वहाँ पर बारिश होती है, जिसे जब ये पोएम लिखी होगी शायद वहाँ पर वेदर इस टाइप का होता होगा, लेकिन आजकल फरवरी में बारिश नहीं होती है. ओके, मार्च ब्रिंग्स ब्रीज लाउड एंड श्री. मार्च में बहुत ठंडी हवाएं चल रही होती हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पोम है तो हमें इसको पढ़ना है. अप्रैल ब्रिंग्स द, मतलब अप्रैल में हमें इतनी ज़्यादा अच्छे और खुशगवार बाहर का मौसम मिलता है और हमें लगता है कि हर जगह जो हमारे फ्लावर है वो डांसिंग कर रहे हैं. मे ब्रिंग्स फ्लॉक ऑफ प्रिटी लैम्स स्किपिंग बाय देयर फैंसी डैम्स. जून ब्रिंग्स ट्यूलिप्स लिलीज रोजीज. Fall fills the children's hand with posies. Hot July brings cooling showers, apricots and gilly flowers. अब इन्होंने यहाँ पर मई के बारे में बताया है कि उसमें सारे जानवर भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि खुशगवार मौसम होता है. और फिर क्या होता है कि जून जो होता है वो इतना उसमें ज़्यादा जो है वो गर्मी भी होती है, लेकिन वहाँ पर जो फूल वगैरह खिलते हैं उससे बच्चे बहुत खुश होते हैं. हॉट जुलाई ब्रिंग्स कूलिंग शावर. ये जो पोम है हमारी, ये हमारे बाहर के राइटर की है, तो उन्होंने अपने वेदर के हिसाब से बनाई है. जबकि अगर हमारी पोम होती तो हम इसमें हॉट जून और जुलाई बहुत हॉट होता है. इन्होंने ये बताया है कि जुलाई जो था वो बहुत हॉट होता है और फिर हमें बार बार शावर लेने की ज़रूरत पड़ती है और फिर एप्रिकॉट्स वो खुबानी का मौसम होता है और बहुत लोग इन्जॉय करते हैं इसको. अगस्त ब्रिंग्स द शेवंस ऑफ कॉर्न देन द हार्वेस्ट होम इज बॉर्न. वहाँ पर अगस्त के महीने में जो है वो हार्वेस्टिंग होती है, मतलब मकई की कटाई होती है, उसको काटा जाता है उसकी फसल को. वॉर्म सितंबर ब्रिंग्स द फ्रूट्स स्पोर्ट्समैन देन बिगिन टू शूट. वहाँ सितंबर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा वो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स का मौसम होता है और जो वहाँ के जो खेलने वाले होते हैं वो दाव पे दाव खेल और खेल कूद में बिजी हो जाते हैं. फ्रेश अक्टूबर ब्रिंग्स द पीच नट्स देन टुगेदर नर्स इज प्लेजेंट. मतलब जो अक्टूबर का महीना होता है वहाँ पर वो नर्स का होता है, मतलब नर्स का मतलब ये होता है कि वहाँ पर मेवों का महीना कहलाया जाता है अक्टूबर का. डल नवंबर ब्रिंग्स द ब्लास्ट देन द लीव्स आर रिसलिंग फास्ट. चिल डिसम्बर ब्रिंग्स द स्लीट ब्लेजिंग फायर एंड क्रिसमस ट्री. उन्होंने क्या बताया है कि जो डल होता है नवंबर बहुत डल होता है, सारे पत्ते झड़ रहे होते हैं, ख़िज़ा का मौसम होता है और फिर दिसंबर आता है तो उसमें अचानक से
सर्दी शुरू हो जाती है और लोग आके साथ बैठे होते हैं और क्रिसमस को इंजॉय करते हैं. होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पोम. आई गिव यू द रिटन वर्क एज सून एज पॉसिबल फॉर अस. थैंक यू.